तो मैं तो इसने जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचा। मैंने भाजपा में रहते हुए भी अपने गुरु मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं उतारी एक भी दिन। आप मुझे जानते हो मेरठ में आप रह करके आए मेरे भाइयों, वरना मैं ये पुलिस वोलिस और तुम्हारे अधिकारियों का इलाज एक मिनट में करना जानता हूँ। यहाँ ये जो तुम्हारा विधायक है, मैं राजनीति में फारूक भाई मैं वर्कशॉप खोल रखी है ऐसे लोगों की डेंट पेंट जो है ना ठीक करने का मजा। यूपी चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट मिलने के साथ ही अब प्रचार प्रसार भी जोरों पर है और नेताओं की बयानबाजी भी लगातार हो रही है। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुर्जर के दो विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में मुखिया गुर्जर पुलिस प्रशासन को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वोलिस सर तुम्हारे अधिकारियों का इलाज एक मिनट में करना जानता हूं। तो वहीं दूसरे वीडियो में कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक की भ्रष्टाचार से कमाई दौलत लूट कर बांटूंगा। तो मैं तो इसने जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे तो इनकी ऐसी की तैसी आपको बता दें कि करीब 14 साल बाद सपा में वापसी करने वाले मुखिया गुर्जर को सपा ने अमरोहा के हसनपुर से प्रत्याशी घोषित किया है और इसके बाद से ही मुखिया गुर्जर लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी बीच वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए उनके बीच विवादित बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी दो अलग अलग वीडियो सामने आई है। सबसे पहले ये पहला वीडियो देखिए। कि मेरे भाई का जलवा इस उधर यहाँ पर यहाँ ये जो तुम्हारा विधायक है मैं राजनीति में फारूक भाई मैं वर्कशॉप खोल रखी है ऐसे लोगों की डेंट पेंट जो है ना ठीक करने का मुझे क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का कट्टर शिष्य हूँ। मैंने भाजपा में रहते हुए भी अपने गुरु मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं उतारी एक भी दिन। इनकी ऐसी की तैसी ये मुझे मेरे वो एक कोई प्रोग्राम था इनका उनकी फोटो खींच के मुझे बता रहे हैं कि ये कट्टर हिंदू है। नहीं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है इस भारत मैं तो इसने जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचा तो इस बात के लिए जाना जाता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे इनकी ऐसी की तैसी थोड़े बार जेल का रखी है मेरे पहले ये मेरा मुकदमा लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है एक ध्यान रखना बस मेरे लिए थोड़ी सी नई धरती है मुझ पर बेईमानी नहीं आती। मैं इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को आदर्श मानकर इस देश की राजनीति में आया था। मैं बहुत भोला भाला सा हूँ साफ सुथरी बात कहता हूँ मुझ पर झूठ बनावटी बातें नहीं हो पाती। मैं हूँ अगर किसी का जाने अनजाने में मैं सम्मान नहीं कर पाऊँ जिस सम्मान के आप काबिल हो तो उसके लिए अपना भाई समझ के मुझे माफ कर देना। लेकिन इतना वायदा कर रहा हूँ मुझे अपने यहाँ जमा लिया जमींदार तो मैं तुम्हारे यहाँ का हूँ तुम्हारे बराबर का। अब नजर डालिए 3 महीने पुराने दादरी के इस वीडियो पर। हालांकि तब मुखिया गुर्जर को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था। अगर आप शांति चाह रहे हो यहाँ आप मुझे जानते हो मेरठ में आप रह करके आए मेरे भाइयों वरना मैं ये पुलिस वोलिस और तुम्हारे अधिकारियों का इलाज एक मिनट में करना जानता हूँ। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हसनपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर पर इस टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। मैंने भाजपा में रहते हुए भी अपने गुरु मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं उतारी एक भी दिन।